है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद जिला अस्पताल में फर्जी तरीके से डॉक्टर बन ठगी करने वाला दबोचा। भीड़ में शामिल लोगों व स्टाफ ने भी खूब धुनाई की और बताया गया कि यहाँ के स्टाफ के सहयोगी डोरी लाल का मिलता था सहयोग। आज सुबह जिला अस्पताल में जहां कुत्ते काटने की इंजेक्शन लगते हैं, एक व्यक्ति को भीड़ ने पकड़ लिया। बताया गया कि उक्त व्यक्ति फर्जी तरीके से डॉक्टर बन ठगी कर खुद को जिला अस्पताल में कार्यरत बताकर लोगों से पैसे ठगता था, जिसे पहचान कर आज पकड़ लिया गया। कभी इंजेक्शन लगाने तो कभी दवा दिलाने के नाम पर रुपए ले लेता था। भीड़ व अस्पताल स्टाफ आदि ने उसकी जमकर धुनाई की। चौकी पुलिस भी आ गई। तहरीर देने की कार्यवाही चल रही थी। बताते चलें कि जिला अस्पताल में बीते कई महीनों से एक व्यक्ति को खुद को अस्पताल स्टाफ बताते हुए यहां लाइन में लगने वाली भीड़ से ठगी करता था। कभी किसी से 400, 200, 500 रुपए लेकर कुत्ते काटने के इंजेक्शन लगवाने, दवा दिलवाने, तो किशोरियों को एकांत में ले जाकर दवा लगाने की बात कहता था। कई लोगों से पैसे लेकर जा चुका था। आज भीड़ में से भी कुछ लोगों ने पहचान कर उसे पकड़ लिया। वहां रिटायर्ड फौजी भी आ गए। फिर क्या था, उसकी जबरदस्त धुनाई की। व्यक्ति ने अपना नाम गांधीनगर निवासी अनिल बताया। इसके साथ ही उसके सहयोगी का नाम अस्पताल में ही कार्यरत डोरी लाल नामक व्यक्ति बताया। फिलहाल चौकी पुलिस आ गई थी, जिसे तहरीर देने की कार्यवाही चल रही थी। गार्ड क्या करते हैं तुम्हारा नाम ले रहे हैं, क्या चक्कर है? ये कह रहे हैं कि डोरी लाल हमको कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा इन लोगों को, मरीजों को। अरे तुम्हारे सामने मिलने वाले तो तुम्हारे मिलने वाले ही तो मिलने वाले तो बहुत फ्रॉड कर रहे हैं मरीजों के साथ। आपके सामने ही स्थिति है और तुम्हारा नाम भी ले रहे हैं कि तुम ही करवाते हो। साफ साफ लो तेरा नाम लो यार। अरे रिकॉर्ड है गई, रिकॉर्ड हो गई। क्या नाम है, नाम क्या है? अनिल, कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ पर? अरे भाई भाई एक मिनट, कहाँ रहते हो? कहाँ? गांधीनगर। गांधीनगर जाने कर लो। यहाँ कौन बुलाता है तुम्हें? हैं? डोरीलाल। अरे इंजेक्शन लगवाते हो, कहाँ से निकलवाते हो इंजेक्शन? किससे निकलवाते हो? डोरीलाल ने दिए थे। डोरीलाल ने दिए थे। डोरीलाल कौन है? हमारे कौन है डोरीलाल? अरे कई साल से आप इसी हॉस्पिटल में काम करते हो? नहीं करते हो? उनके साथ आते हो? डोरीलाल कहाँ काम करते हैं? इसी हॉस्पिटल में। अच्छा डोरीलाल फिर आपसे कितना कमीशन लेते हैं? तो फिर आपको ऐसे इंजेक्शन निकाल के दे देते हैं? कौन? तो कह रहे डिप्लोमा है तेरे पास? हुआ क्या, आपने एक आदमी को मारा, क्यों मारा था? वो दलाल था, दलाल था। यहाँ नर्सिंग स्टैंड एक डोरीलाल नाम का है, डोरीलाल नाम का एक स्टैंड है, तो उसके जरिए वो दलाली करता था और उनसे आपस में मेल तोल सरकारी दवाई उसके जरिए बेचता था डोरीलाल, और उनसे पैसा लेकर के आधे जेब में खुद रखता था और आधे दलाल को देता था। नहीं, वो दलाल जो भी दलाली कर रहा था, आपका काम किसी को मारना है क्या?
जब यहाँ गलत काम करेगा सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें हमारे को गार्ड लगाया गया है, इसीलिए हम अपने गार्ड अगर मेडिकल की सुरक्षा नहीं कर पाए तो ऐसे फिर बेकार है हमारा यहाँ। आपको पीटने का हक किसने दिया है? जब हमें पीटने का हथौटी है, जब गलत काम किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, से देख नहीं सकते। आप किसी को भी मारेंगे? ऐसे नहीं है, इसके सबको मारेंगे जो गलत काम। मालूम है ये कानून आपने हाथ में लिया है? जब गलत काम करेगा तो फिर गलत का उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। किस सिक्योरिटी में हो? मैं सैनिक कल्याण निगम की तरफ से हूँ। मैडम, एक आपके गार्ड ने एक आदमी को बुरी तरह मारा, बेल्ट से मारा, और उसने स्वीकार किया कि उसने मारा। सजा देने का काम अदालत का है, क्या इन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया? नहीं, इन्होंने जो किया है, जो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि एक आदमी जो है कॉलेज का कोई एम्प्लॉई है, वो दलाल के साथ मिलके कॉलेज की दवाइयाँ बाहर बेच रहा था या बाहर दे रहा था। ही वॉज डूइंग अराउंड, गलत काम कर रहा था, बट इन्होंने अच्छा काम करके भी गलत काम कर दिया, क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्होंने अच्छा किया था कि गलत आदमी को पकड़ा था, बट उस गलत आदमी को ला कर हमारे पास लाते, CMS के पास लाते, हम पुलिस को पकड़ाते, जो भी एक्शन होता प्रॉपर तरीके से एक्शन होता, बट कानून हाथ में लेने का, मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। क्या अब आप एज ए प्रिंसिपल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी? डेफिनेटली, इनके जो सुपरवाइजर्स हैं, ये एक्चुअली सैनिक कल्याण के गार्ड्स हैं, इनके सुपरवाइजर हैं, उनको हम एक लेटर लिखेंगे और इन्होंने अपनी गलती एडमिट करी है, इनको एक वार्निंग दिया जाएगा, एवं एक हम लोग कमेटी बना के फैसला करते हैं कि इसके अगेंस्ट में हम क्या एक्शन लेते हैं। तो ये अभी अपनी माफ़ी मांगने को तैयार हैं, और डेफिनेटली इट्स वेरी रॉन्ग थिंग, हाथ में तो मारने का तो किसी को भी अधिकार नहीं, बहुत ही गलत चीज़ है ये। ठीक है, वो गलत आदमी था, ठीक है, गलत आदमी को पकड़ाते हैं हम लोग, उसको रोकने की कोशिश करते हैं गलत चीज़ों को, कि कॉलेज की दवाइयाँ बाहर ना जाएं, गलत आदमी कॉलेज का नाम बता कर कि हम कॉलेज के हैं दलाल की तरह घूम रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारी मदद करना चाह रहा था, पर गलत तरीके से मदद किसी की भी नहीं चाहिए।